नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कार्तिक महात्यम। हमारे चैनल पर प्रतिदिन जो भी इसके पूरे अध्याय हैं, मतलब 35 अध्यायों की कथा है, तो एक एक अध्याय मैं प्रतिदिन डाल रहा हूं आपके YouTube चैनल पर। साथ साथ जो अलग अलग पर्व है, जैसे आज करक चतुर्थी का व्रत रहा, अहोई अष्टमी का व्रत है, आंवला नवमी का व्रत है, तो इन सभी व्रतों के बारे में, इन त्योहारों के बारे में, इन पर्वों के बारे में क्या महत्व है, क्या विधान है, क्या विधि है, किस समय पूजन करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, इन सबको भी मैं बराबर आपके साथ लेके चल रहा हूँ। और ये जो पथ है, जो कर्तव्य पथ हमारा है, ये निरंतर चलता रहेगा। ऐसे ही ज्योतिषीय विषय, पामिस्ट्री का विषय, वास्तु का विषय, ये सब भी आपको मैं प्रदान करता रहूँगा। निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप आने वाले भविष्य में जो भी हमारी वीडियो डलती हैं आपको मिलती रहें। और हम बनाते किसके लिए, मेहनत किसके लिए करते हैं, आप सबके लिए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कोई मन में आपकी बात आ रही है तो आप कमेंट भी जरूर करें। तो आज हमारा जो विषय है वो कार्तिक महीने का 8वां अध्याय है। 7वें अध्याय की कथा आपने सुनी। अब 8वां अध्याय में यहीं से प्रारंभ होता है कि नारद जी कहते हैं कि अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूं। क्यों? क्योंकि जो सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है, व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत का उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले खम्भों से संयुक्त करके नाना प्रकार के धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा करके रखें। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित चार दरवाजे बनावे, चारों तरफ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बना करके उनकी पूजा करें। उनके इस प्रकार जो द्वारपाल हैं उनके नाम भी कुछ इस प्रकार हैं, जय विजय, चंद प्रचंड, नंद सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष, ये द्वारपाल हैं। इन द्वारपालों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उन्हें चारों दरवाजों पर दो दो के क्रम से स्थापित करके और भक्ति पूर्वक उनकी पूजा आपको करना चाहिए। तुलसी की जड़ के समीप चार रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्णपत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त करके कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें, क्योंकि कहा भी गया है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाजता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृता, यानी कलश के मुखमंडल वाले भाग में भगवान नारायण का ही वास होता है, इसलिए कलश के ऊपर भगवान की पूजा करें। भक्तिपूर्वक उस स्थिति में उपवास करें तथा रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्तिपूर्वक भगवत संबंधी पदों का, गीतों का, लोकगीतों का गान करते हैं, नाम का स्मरण करते हैं, वह सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गौदान का फल मिलता है। दर्शकों, जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं उनके अगले जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठ करके कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजा करके भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा पुराण कहते हैं। दर्शकों, उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को, यानी ब्राह्मण का जोड़ा पति पत्नी, उनको निमंत्रण दें और प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए तिल और खीर की आहुति दें, अग्नि में हवन करें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें।
फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें कि आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं, ऐसी मेरी संतान चिरंजीवी हो, ऐसी प्रार्थना करें। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ये प्रार्थना ब्राह्मण देवता से करें, क्योंकि ब्राह्मण कहा गया है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना से देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीष्टांश्च तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण भूसुर है, पृथ्वी का देवता है, आप यहाँ पूजनीय रूप में आया हुआ है, भगवान नारायण के रूप में आया हुआ है, इसलिए उसकी पूजा करें, उससे प्रार्थना करें। मित्रों, पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें, उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं प्रसाद पाएं, भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया, इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु भगवान की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा बहुत उत्तम मानी जाती है, श्रेष्ठ मानी जाती है, इसलिए कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार के कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वह धन्य हैं और पूजनीय माने जाते हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते हैं, कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म सुनता है या सुनाता है, वह भगवान के विष्णु के सायुज्य का यानी सानिध्य को प्राप्त करता है, उनके लोक को प्राप्त करता है, गौ लोक को प्राप्त करता है। तो इस कथा में, इस अध्याय में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले विषय में। निवेदन करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुंडली को लेकर के कोई चर्चा है तो आप कुंडली दिखा सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने चल रहे हैं। पामिस्ट्री या वास्तु से कोई सलाह लेनी है, बिल्कुल ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।